देखिए कमियां तो कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे ये यहाँ पर एक आज एक एक्सरसाइज कंटिन्यूटी में चल रही है एक दो दिन से, जहाँ पे इसको कंटेनमेंट जोन हमने डिक्लेयर किया है और उसमें जो SOP इस्टेब्लिश है उसके तहत प्रॉपर टेस्टिंग मॉनिटरिंग और उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ जो पोस्ट आइडेंटिफिकेशन देनी है उसके लिए मेरे साथ ये मेडिकल टीम भी है, ऑन ग्राउंड हमारे मैजिस्ट्रेट साहब भी हैं, CMO ऑफिस के भी यहाँ पे कंसर्न ऑफिशियल्स दे आर इन्वॉल्व दिस एक्सरसाइज। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चल रहा है और एक दो दिन और चलेगा और उसके बाद इसको वाइंड अप किया जाएगा आफ्टर प्रॉपर जो भी हमने पोस्ट आइडेंटिफिकेशन इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, फिर ये सारी एक्सरसाइज किसी और कंटेनमेंट जोन में शिफ्ट कर दी जाएगी। ये कॉन्टीन्यूसली चल रहा है और डिफरेंट डिफरेंट जोन हम इसे पिक कर रहे हैं। गोरखा नगर वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कंटेनमेंट जोन जो पिक किया गया और अकॉर्डिंगली जो SOP के मुताबिक एक्शन हो रहा है ऑन ग्राउंड। सर यहाँ पे अगर बात करें शॉप्स को लेकर तो उसका मतलब कि क्या यहाँ पे मतलब कि रूल्स हैं यहाँ के शॉप्स वगैरह? देखिए कंटेनमेंट जोन की SOPs ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है गवर्नमेंट, उसके मुताबिक यहाँ पे जब तक पूरा एरिया हम सैनिटाइज ना कर ले विद रिगार्ड टू इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड टेस्टिंग, इस्टेब्लिशमेंट्स ओपन नहीं होंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट्स के भी जितने हैं उनके भी जितने वर्कर्स हैं वो भी प्रॉपर टेस्टिंग होते हैं, अगर कोई पॉजिटिव आता है उसकी भी प्रॉपर SOP के तहत उसको फिर दोबारा से कंटेन करके होम आइसोलेशन में करके फिर दोबारा रीटेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद जाके हमारी ये जो इंस्टीट्यूशन हैं वो खुलते हैं। ये SOP में डिक्लेयर है व्हाट इज़ द प्रोसीजर, जहाँ पे जैसे भी जो लोकल एरिया है वहाँ पे वही SOP एस्टेब्लिश करके हम प्रोसीड कर रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल है कि जो यहाँ के लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो सैंपलिंग वगैरह नहीं करवा रहे हैं डर रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना? ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट काउंसलिंग। तो यहाँ पे बड़े जो लोकल यहाँ पे लोकल हमारे जो सिविल सोसाइटी है वो खुद काउंसिल कर रही है, हमारे साथ लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं, अब तो ज़्यादा खुद ही लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, दे वॉन्टेड टू बी डन। थोड़ा सा एक फियर रहता है कि पता नहीं आफ्टर आइडेंटिफिकेशन क्या होने वाला है, उसमें जब काउंसलिंग किया जाता है ऐसा कुछ नहीं है, होम आइसोलेशन होना है, उसके बाद प्रॉपर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ आपको इक्विप किया जाएगा और आपको मैंडेटरी 14 डेज क्वारंटाइन के रीचेकिंग और ये सारा करके यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो काउंसलिंग के से दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, ऐसा कोई पैनिक नहीं है। थैंक यू।